पाकिस्तान से लाई गई मूक बधिर गीता के परिवार को ढूंढने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर रेलवे पुलिस ने इसी कड़ी में पंपलेट तैयार किए हैं जिसमें गीता की तस्वीर है। ये पंपलेट इंदौर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों में लगाकर यात्रियों को दिखाए जाएंगे ताकि गीता की पहचान हो सके। दरअसल गीता ने बताया था कि उसका घर एक रेलवे स्टेशन के पास था जहाँ एक मंदिर है और मंदिर के पास नदी है और वो नदी में नहाया करती थी। इसमें जो गीता कुमारी ये बता रही हैं कि मेरा जो घर है वो एक रेलवे स्टेशन के पास है, उस रेलवे स्टेशन के पास में एक मंदिर है और उस मंदिर के सामने नदी या तालाब कुछ है जहाँ नहा करके मंदिर जाते हैं। इतना ही इसको याद है और इसी आधार पर वो अपना घर ढूंढ रही है। तो हमारे जो कि आज हमारी क्राइम मीटिंग है और हमारे सभी 17 अधिकारी आए हुए हैं जो अलग अलग थानों में पदस्थ हैं, तो उनको ये पंपलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बता रहे हैं कि आप इसको अपने रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर और जो ट्रेन उनके यहाँ से गुजरती है उसमें वितरण करें और लोगों को इसको समझाइश दें कि अगर वो इस कारण से भी इसकी हेल्प हो सकती है छोटी सी हमारी प्रयास से तो बहुत बड़ी बात है।